होगा देना होगा देना होगा रामगढ़ जिले में दीपावली के एक दिन पहले वन भूमि पर बसे मल्हार बस्ती को वन विभाग ने पुलिस फोर्स की मदद से उजाड़ दिया था, जिसके विरोध में आज सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष व बच्चों ने सड़क पर उतरकर नारा लगाते हुए पैदल मार्च किया। पैदल मार्च वाम दल के नेतृत्व में हुआ। ये लोग नारा लगा रहे थे कि पहले बसाओ फिर उजाड़ो। पैदल मार्च का विरोध कर रहे सीपीआई राज्य सहायक सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सरकार को जो वन पट्टा देने का अधिकार है, उसके तहत इनको वन पट्टा दिया जाए और हर सुविधाएं दी जाए इनको। अगर इन्हें जिला प्रशासन ने परेशान किया तो लाल झंडे के लोग इनका नींद हराम कर देंगे और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मांडू प्रखंड के कुजू दक्षिणी पंचायत के बुंदरिया के मल्हार टोला है, जहाँ पर 50-55 वर्षों से लगातार गरीब परिवार झुग्गी झोपड़ी लगा करके वन की जमीन पे हैं। यहाँ के कुछ दबंग लोग, पुलिस और फॉरेस्ट, ये तीनों मिल करके गठजोड़ बना करके इनको एक साजिश के तहत हटाने की प्रयास कर रहे हैं। उनका जो झोपड़ी झोपड़ी था, उस झोपड़ी को भी जो है से बरसों दिन डाक करके दो झोपड़ी को गिरा दिया गया। लगातार हटाने के लिए प्रयास जारी है। हम कहना चाहेंगे लाल झंडे की ओर से कि वनाधिकार कानून 2006 के तहत जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको वन पट्टा देने के लेने का उनको अधिकार है और सरकार को वन पट्टा देने का भी अधिकार है। इसलिए जो साजिश के तहत जो हटाया जा रहा है, इनको वन पट्टा दे और सारी सुविधा मुहैया करावे। पिछले बार चिंतामन मल्हार की मौत भूख से हो गई थी। जिला प्रशासन और यहाँ के प्रखंड प्रशासन जान बुझ करके जैसे लिपापोती किया और बचने के लिए और कई तरह के झूठा आश्वासन दिया, बावजूद आज तक किसी भी तरह की कोई उन लोगों की मदद नहीं दिया गया। हम कहना चाहेंगे लाल झंडे की ओर से अगर उनको हटाने की कोशिश किया गया, दबंग के मिली भगत से उनको पानी और बिजली काटने के जो प्रयास किया जा रहा है, इन सारे चीजों के खिलाफ अगर यहाँ पर की प्रशासन, यहाँ के टीसी, यहाँ के एसपी, यहाँ की थाना, यहाँ के फॉरेस्ट अगर समय से रहते अगर चेता नहीं और इनको सुविधा मुहैया नहीं कराया और अगर परेशान किया तो हम लाल झंडे के लोग भी जीना हराम कर देंगे। इन प्रशासन के लोगों को रोज सड़क पर उतरेंगे और इनको नींद को हराम करेंगे। न्यूज़लैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है